हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सुंदर सी प्रिटी सी लुक, जो आप अपनी ब्राइडल, अपने मेहंदी लुक पे, एंगेजमेंट लुक पे एंड किसी भी पार्टी मेकअप पे भी कर सकते हैं। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट की स्किन टाइप पूछी एंड उनकी जो स्किन टाइप थी वो ड्राई थी, इसलिए हमने उनकी रिकोट का टोनिंग बेस्ट किया है एंड आप कोई और टोनर भी कर सकते हैं। अभी हम उनके थोड़ा थोड़ा लिटिल सी क्वांटिटी में ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। ऑयल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है मिलाग्रो का। आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रोज़ गोल्ड ऑयल, 24K गोल्ड ऑयल, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। एंड इसको हम थोड़ा थोड़ा डैब कर रहे हैं हैंड से एंड अभी हम आई मेकअप शुरू करने वाले हैं। आई मेकअप शुरू करने से पहले हम अपने क्लाइंट की आंखों में काजल डाल रहे हैं एंड इस बार जो हम काजल डाल रहे हैं ना वो ब्लैक है ना वो ब्राउन है, वो है ग्रीन काजल। ग्रीन काजल इज़ फ्रॉम रिकोट एंड अच्छे से उसको हमने लोअर वाटर लाइन पे एंड अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर दिया है। अभी हम अपनी आँखों की कारीगरी को शुरू करते हैं। आँखों की कारीगरी के लिए सबसे पहले हमने रियल टेक्निक के ब्रश के साथ आई बेस अप्लाई किया है। आई बेस आप ये मत समझिएगा कि प्लूम का सिल्क ब्रश प्राइमर लगा रहे हैं, हमने इसके अंदर अपना बचा हुआ कंसीलर जो है स्पैचुला की हेल्प से निकाल लिया है। सारे कंसीलर्स को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बना है उसको हम एज एन आई बेस लगा चुके हैं एंड अभी हम रिकोट की ब्राउन पेंसिल से स्मजिंग करने वाले हैं। दोनों आईज पे हमने पेंसिल अप्लाई कर ली है एंड ये पेंसिल, मुझसे गलती हो गई बोलने में, ये रिकोट की नहीं, फॉरएवर 52 की पेंसिल है। बेली के ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से, सिर्फ इसके एजेस को ब्लेंड करेंगे, फुल जो हमने पेंसिल लगाई है उसको ब्लेंड नहीं करेंगे, ओनली एजेस को स्मूथ करेंगे। दोनों साइड हमने सेम ब्रश और सेम पेंसिल यूज़ की है एंड अच्छे से हम स्मच कर चुके हैं एंड अभी हम क्रायलॉन की पैलेट यूज़ कर रहे हैं। उसमें से बेली का ब्रश लिया है, बहुत सुंदर सा लाइटर सा शेड लेके हम ट्रांजिशन एंड क्रीज पे अप्लाई कर रहे हैं। दोनों आईज पे हम सेम शेड अप्लाई कर रहे हैं एंड अभी शेड आपने देखा जो मैम ने पैलेट से पिक किया, वो शेड हमने अप्लाई किया है ट्रांजिशन एंड क्रीज पे। अच्छे से ब्लेंड करना है एंड ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। अभी हमने ब्रश जो है वो चेंज कर लिया है। ब्रश अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है मॉर्फी का और हमने आँखों के ऊपर इसको थोड़ा थोड़ा चला दिया है ताकि जो ब्लेंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए ब्रश को हमने मूव कर दिया है एंड अभी हमने अपनी आई पैलेट को चेंज कर दिया है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं शोपेरल की आई पैलेट एंड जो हमारी क्लाइंट है उसकी जो आईज़ हैं वो हम ग्रीन ग्रीन थोड़ी सी करने वाले हैं क्योंकि इनको ग्रीन इफेक्ट चाहिए था एंड इनकी आउटफिट भी ग्रीन थी। हरी, इनको हरा तोता नहीं बनाएंगे हम, हरियाली भी नहीं बनाएंगे, भिंडी भी नहीं बनाएंगे, बट बहुत सुंदर सी हरी सी लुक देने वाले हैं। थोड़ा सा शिमर अप्लाई किया है हमने ब्रश की हेल्प से, बिल्कुल सेंटर सेंटर लिड पे अप्लाई किया है एंड इसको आप अगर आप चाहें अपनी उंगलियों की सहायता से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अच्छे से इसको ब्लेंड कर रहे हैं ताकि जो हमारा शिमर है वो ब्लेंडेड लगे, बिल्कुल भी ये ना लगे हमने सिर्फ ठोपा है इसको। एंड ये दो तीन शेड्स जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन तीन शेड्स को मिक्स करके हमने थोड़ा थोड़ा आउटर कॉर्नर पे इसको चला दिया है थोड़ा सा इंटेंस इफेक्ट देने के लिए एंड ये थोड़ी साक्षी गुप्ता ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड अभी हम इनके लगाने वाले हैं पिगमेंट। ग्लिटर तो आपने बहुत देखी होगी लगाते हुए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं पिगमेंट लगाने। पिगमेंट लगाने के लिए सबसे पहले हमने कोई भी फिक्सर जो आप फेस को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें ब्रश को थोड़ा थोड़ा गीला करना है एंड शिमर पे अप्लाई करना है एंड फिर उसी सेम ब्रश के साथ हमने पिगमेंट अप्लाई करना है
एंड ध्यान रखना है कि पिगमेंट जो है बिल्कुल भी फ्लेकी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल उठाया और लगा दिया, ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल साक्षी गुप्ता से सीख के आपने पिगमेंट लगाया है एंड बहुत ही सुंदर पिगमेंट लगना चाहिए। एंड अभी वही पेंसिल जिसको हमने काजल की तरह अप्लाई किया था, उसी पेंसिल को हम एज अ लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। वही सेम ब्रांड है रिकोड एंड वही सेम पेंसिल है। आप चाहें तो आप ब्लैक लाइनर भी लगा सकते हैं, बट आज हम आपको थोड़ा कलरफुल सा लुक दिखा रहे हैं। आप इसको मेहंदी पे भी कर सकते हैं, ब्राइडल पे भी कर सकते हैं। तो हम लाइनर जो है वो अप्लाई कर चुके हैं एंड अभी हमने थोड़ा सा स्मजिंग ब्रश लिया है PAC का, पैक का, एंड थोड़ा थोड़ा स्मज कर रहे हैं लाइनर को ताकि लाइनर जो है वो भी हमारा थोड़ा इंटेंसिफाइड लगे, बहुत सुंदर सा लाइनर लगे। एंड जो आज हम बेस करने वाले हैं वो भी थोड़ा फ्लॉलेस सा बेस करने वाले हैं। उससे पहले हमें अपने जो अंडर आईज है, जो पदार्थ गिर जाते हैं हमारे आईज़ के नीचे आई मेकअप करते हुए, उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन हमने अच्छे से कर दिया है एंड अभी हम लगा रहे हैं प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी क्लाइंट की स्किन को बचाता है मेकअप प्रोडक्ट्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट से। अभी जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं ये मार्केट में घूमते घूमते ऐसे ही पसंद आया हुआ ब्रश है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, तो ये अच्छा लगा तो हमने ले लिया। एंड इसको हम अच्छे से प्राइमर को मर्ज कर रहे हैं इस ब्रश की सहायता से। अगर आपको ऐसे घूमते घूमते ब्रश ना मिले तो आप अपने उंगलियों की या हाथ की सहायता से भी इन्हें अच्छे से मर्ज कर सकते हैं स्किन के अंदर। और आप देख रहे हैं हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। फुल लुक कंप्लीट होने से पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी। एंड उससे पहले हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करें। हमने अच्छे से प्राइमर को मर्ज कर दिया है स्किन में। अब फॉरएवर 52 की करेक्शन पैलेट के साथ हम ऑरेंज अप्लाई कर रहे हैं। इसको अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी आँखों के नीचे काले घेरे भी रिफ्लेक्ट होंगे। अच्छे से हमने इसको अंडर आईज पे अप्लाई करना है, अराउंड द माउथ अप्लाई करना है एंड फोरहेड पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे इंडियंस की फोरहेड भी बहुत ज़्यादा टैंड होती है इसलिए। और जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये ब्रांड इनका ब्रश है, इसके ऊपर हम डार्क करेक्टर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारी मॉडल है थोड़ी हनुमान जी लग रही थी, हनुमान जी से इनको थोड़ी ब्राइडल लुक या मेहंदी लुक देने के लिए हम वॉर्म जो हनी लगा रहे हैं। ये वॉर्म हनी जैसा शेड है, एग्जैक्ट वॉर्म हनी नहीं है, वॉर्म हनी एल ए गर्ल का है एंड फॉरएवर 52 का ये डार्क करेक्टर है। इसको हमने अप्लाई कर दिया है ऑरेंज के ऊपर। एंड अभी जो हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ये है के ब्यूटी एंड हुडा, दो फाउंडेशन मिक्स करके हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड आप देख रहे हैं ये जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं ये भी हम मार्केट में ही घूमने गए थे एंड पसंद आया, उसी के साथ ही हमने ये ब्रश लिया था। एंड अच्छे से हमने इसको अप्लाई कर दिया है। जहाँ पर ऑरेंज है वहाँ पे हमें सिर्फ डैब डैब करना है, जहाँ पर ऑरेंज नहीं है वहाँ आप थोड़ा घड़ीस के भी लगा सकते हैं। एंड अभी हमने अपनी मॉडल को पंखा दिया है ताकि जो हमारी फाउंडेशन है थोड़ी सी ड्राई हो जाए एंड ब्लेंड करने में इजी हो जाए। तो अभी हम बेली के ब्रश के साथ, इसका कोई नंबर नहीं है ये सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रश है बेली का, अच्छे से हम फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं ताकि जो हमारा बेस है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगे, ग्लास फिनिश दे एंड हमारा जो क्लाइंट है बिल्कुल खुश हो जाए। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, इसके बाद हम लगाने वाले हैं कंसीलर। कंसीलर से पहले जो फोरहेड पे थोड़ा थोड़ा रह गया था उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छे से ब्लेंड करना है हमें, बिल्कुल भी फाउंडेशन खड़ी खड़ी नहीं लगनी चाहिए कि बिल्कुल आपने प्राइमर के बाद चिट्टी पुट्टी उठाई एंड बिल्कुल अप्लाई कर दी। तो
फाउंडेशन जो है हमारी ब्लेंड हो चुकी है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं कीको मिलानी के कंसीलर्स एंड जो शेड हम अप्लाई कर रहे हैं ये है 40 शेड। इसको हमने अप्लाई करना है जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हाइलाइटिंग करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें अप्लाई करना है टी जोन पे, टी जोन के बाद अंडर आइज पे भी अप्लाई करना है एंड थोड़ी सी मूछें बनानी है इनकी एंड उसके बाद थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई करना है, थोड़ा सा चीक्स एरिया पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इनको दोबारा हमने फ़ैन दे दिया है अच्छे से ताकि जो हमारा कंसीलर है थोड़ा ड्राई हो जाए एंड साथ साथ इसकी हमने ब्लेंडिंग भी शुरू कर दी है। ब्लेंडिंग के लिए जो हमने हथियार लिया है, हथियार है हमारा PAC का ब्रश एंड ये हमारा थोड़ा स्मॉल ब्रश है। ये अच्छे से स्मॉल एरियाज एंड बिग एरियाज को ब्लेंड कर देगा एंड फुल फेस कवरेज देगा। इसको भी आप देख सकते हैं हम सिर्फ डैब कर रहे हैं, ड्रैग नहीं कर रहे हैं। ड्रैगिंग करने से नीचे की जो फाउंडेशन है उसकी लेयर उतरनी शुरू हो जाएगी एंड थोड़ा जो हमारा मेकअप है थोड़ा डस्की डस्की सा, ग्रेश ग्रेश सा दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम कंसीलर को ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं एंड फुल फेस कवरेज दे रहे हैं एंड अभी हम कर रहे हैं क्रीम कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर के लिए हमने सेम पैलेट ली है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं न्यू पैलेट्स पे। सेम पैलेट के साथ हम क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं, जॉ लाइन पे कॉन्टोर कर रहे हैं, थोड़ा सा नोज कॉन्टोर करेंगे, थोड़ा सा फोरहेड भी कॉन्टोर करेंगे जो हम कर चुके हैं एंड अभी महंगे ब्रश के साथ हम लगाने वाले हैं लिक्विड टिंट। ये सफोरा का ब्रश है एंड जो हमने दो टिंट लिए हैं ये रिकोड के दो टिंट हैं, बहुत ही अच्छे टिंट हैं। आपको बिल्कुल भी रू अफज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके पास इतने सस्ते सस्ते टिंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल भी महंगे टिंट्स नहीं हैं, अफोर्डेबल टिंट्स हैं एंड इनको हम दो टिंट्स को मिक्स करके अप्लाई कर चुके हैं एंड अभी हम ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जिसके साथ हमने फाउंडेशन को ब्लेंड किया था उसी सेम ब्रश के साथ हम ब्लशर को थोड़ा मर्ज कर रहे हैं स्किन के अंदर ताकि ये ना लगे कि बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट ने उठाया एंड हमें बिल्कुल तोता बना दिया। एंड अभी हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का। इसको हमने गीला करके यूज़ करना है, इसका पानी जो है अच्छे से निकाल लेना है जिसको हम डैम्प ब्लेंडर भी कहते हैं। डैम्प ब्लेंडर की मदद से हमने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड अभी हम कर रहे हैं बेकिंग। बेकिंग हम पिज़्ज़ा की बेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने बेस की बेकिंग कर रहे हैं, पाउडर सेटिंग कर रहे हैं। पाउडर सेटिंग के लिए सबसे पहले हमें अंडर आइज़ को पाउडर करना है, फिर स्माइल लाइंस पे पाउडर करना है अच्छे से एंड उसके बाद फिर फुल फेस पाउडर करना है ताकि जो हमारा बेस है वो मैट हो जाए एंड हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू कर सकें। एंड तब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक जब तक हम पाउडर लगा रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगी एंड आप हमारी कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर मिस कर ही देंगे। तो अभी हमने पहले वाली पैलेट ली है क्राइलॉन की एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये है ब्रांड इनका अंडर लोअर वर्क कम्प्लीट करने के लिए एंड उसके साथ साथ फिंगर पफी डालनी कभी नहीं भूलनी है, नहीं तो अपने उंगलियों के निशान आप अपने बेस पे पाएंगे एंड फिर जो बेस है वो ग्रे ग्रे लगेगा। एंड अब दूसरी आईज पे भी हम सेम कर रहे हैं, सेम ब्रश के साथ, सेम पैलेट के साथ, सेम कलर के साथ हम अप्लाई कर रहे हैं एंड हमेशा आपने ध्यान रखना है आईज जो है वो बिल्कुल साथ साथ चलनी चाहिए दोनों, नहीं तो एक आईज पे कोई और कलर दिखेगा और दूसरे आईज पे कोई और कलर दिखेगा। अभी वही ग्रीन सेम पेंसिल के साथ हम काजल है थोड़ा रिफिल कर रहे हैं ताकि जो हमारा काजल है थोड़ा इंटेंसिफाइड लगे, बहुत सुंदर सा इफेक्ट दे, बिल्कुल परी बना दे हमारी मॉडल को। एंड अभी बेली के स्मजिंग ब्रश के साथ थोड़ा सा आगे से हमने शिमरी सा इफेक्ट दिया है एंड अभी इतने बड़े फैन ब्रश के साथ लंदन प्राइम के हम अच्छे से पाउडर को डस्ट ऑफ कर रहे हैं
ताकि जो हमारी मॉडल है थोड़ी पाउडरी पाउडरी ना लगे, केकी केकी ना लगे। अच्छे से पाउडर को हमने डस्ट ऑफ कर दिया है एंड अभी हम लगाएंगे लैशेस। लैशेस पर लगाने से पहले हम अपनी ब्रोज को थोड़ा कॉम कर रहे हैं। कॉम करने के लिए जो हमने कॉम ली है ये ब्रो कॉम है यानी स्पूली। एंड अब हम कर रहे हैं मस्कारा। मस्कारा हम यूज़ कर रहे हैं मेबलिन का कोलोसल मस्कारा। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, आपकी मॉडल को बहुत हेल्प करेगा लैश सुंदर सी एंड वॉल्यूमिनस लैश दिखाने में। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लैशेस। लैशेस हम लगाएंगे अपने ब्रांड की यानी साक्षी गुप्ता लैशेस। उससे पहले दूसरी आईज पे भी मस्कारा कर चुके हैं एंड लोअर मस्कारा हम कर रहे हैं फेरा रुशी के मस्कारे के साथ। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, लोअर लैशेस में मस्कारा करने में बहुत हेल्प करता है एंड मेरे जैसे जो हमेशा नीचे मस्कारा लगा देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मस्कारा है क्योंकि ये साथ ही ड्राई हो जाता है। एंड हमारी जो मॉडल है उनकी जो स्किन थी वो ड्राई थी, तो बीच में हम कर रहे हैं क्विक फिक्स से हमने अपनी मॉडल को नहला दिया है एंड अब हम लगा रहे हैं साक्षी गुप्ता की लैशेस। ये बहुत अच्छी लैशेस है एंड ये साक्षी गुप्ता लैशेस है इसलिए ये सिर्फ साक्षी गुप्ता स्टूडियो से ही मिलेगी। इसको हमने अप्लाई कर दिया है एंड जो हमने ग्लू यूज़ की है वो है लैश ग्लू यानी डुओ की लैश ग्लू। बहुत अच्छी ग्लू है ये एंड अभी हम कर रहे हैं अपने फेस को थोड़ा पतला दिखाने के लिए प्रोसीजर यानी कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए जो हमने ब्रश यूज़ किया है ये है सरोस्की का ब्रश एंड बहुत ही अच्छा ब्रश है। इसके साथ हम थोड़ा जॉ लाइन पे कंटूर कर रहे हैं, थोड़ा फोरहेड पे करेंगे, नोज़ पे करेंगे एंड थोड़ा सा चीक्स एरिया पे भी हम कंटूर करेंगे। बिल्कुल काला काला कंटूर बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी ब्रॉन्जिंग करनी है। ब्रॉन्जिंग एंड कंटूरिंग में बहुत डिफरेंस है इसलिए हमें सिर्फ ब्रॉन्जिंग करनी है, कंटूरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड अभी हम कर रहे हैं अपने नाक को थोड़ा तीखा सा इफ़ेक्ट देने के लिए नोज़ कंटूरिंग। नोज़ कंटूरिंग के लिए हमने जो ब्रश लिया है ये लंदन प्राइम का छोटा सा ब्रश है। आपके पास अगर कोई और ब्रश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लगा रहे हैं थोड़ी सी लाली, लाली यानी ब्लशर। ब्लशर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है के ब्यूटी का, बहुत अच्छा ब्लशर है। एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये है लंदन प्राइम का LP333 ब्रश, बहुत अच्छा ब्रश है ये। एंड अभी हम बनाने वाले हैं थोड़ी कारीगरी करेंगे पहले आईज पे फिर जाएंगे ब्रोज पे। कारीगरी के लिए हमने थोड़ा ब्राउनिश सा शेडो लिया है, थोड़ी सी हम विंग बना रहे हैं, बहुत अच्छी विंग बनाएंगे एंड सटल सी विंग बनाएंगे जो हमारी आईज को थोड़ा शार्प इफ़ेक्ट देगी। विंग हम दोनों साइड बना चुके हैं एंड वही सेम विंग वाली पैलेट से हम अपनी आईब्रोज को ड्रॉ कर रहे हैं। एंड ये जो विंग वाली पैलेट है ये है फॉरएवर 52 की, बहुत अच्छी पैलेट है, आप इसको बेशक परचेज कर सकते हैं। जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये है लंदन प्राइम का ब्रश, बहुत ही अच्छा ब्रश है। एंड बिल्कुल भी रावण नहीं बनाना है अपने मॉडल को इतनी तीखी तीखी आर्टिफिशियल सी ब्रोज देके, हमें हमेशा नेचुरल सा इफ़ेक्ट देना है ब्रोज में। एंड दूसरी ब्रोज अब हम बना रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या क्या स्टेप रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा स्टेप रहता है। हम देखना चाहते हैं हमारे कितने दर्शक आँखें खोल कर देख रहे हैं एंड कुछ देखते देखते सो गए हैं, उसका भी हमें बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया तो ज़रूर जानना है। इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे कौन से स्टेप्स रहते हैं। अभी ब्रोज जो है हम बना चुके हैं एंड लोअर लैशेस को थोड़ा सा टचअप दे रहे हैं। ये हमारी मैम को टचअप देना बहुत पसंद है क्योंकि इनको फिनिशिंग एक हर चीज़ में चाहिए। तो अभी हम लगा रहे हैं ग्लिटर लाइनर। ग्लिटर लाइनर हम लगाएंगे बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे जहाँ पर हमने विंग क्रिएट की थी उसके नीचे ही बिल्कुल लाइनर लगाएंगे। ये थोड़ी साक्षी गुप्ता क्रिएटिविटी थी बीच में, इस स्टेप को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड अभी जो हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं ये है बॉबी ब्राउन का हाइलाइटर, थोड़ा महंगा हाइलाइटर है बट बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है।
एंड देख सकते हैं कितना पिंक ग्लो दे रहा है ये हाइलाइटर, क्योंकि इसका नेम ही पिंक ग्लो है। एंड इसको हम थोड़ा सा क्यूपिड बोन पे लगाएंगे, यानी होठों के थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा नोज पे, ताकि जो हमारी नाक है बिल्कुल चमचम करे। एंड इसके बाद हम लगाने वाले हैं लिप कलर। लिप कलर के लिए जो हम लिप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं ये है चॉकलेट ब्राउन, और इसका जो ब्रांड है हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं एंड इस बार हम आपसे सुनना चाहते हैं कि ये ब्रांड कौन सा है। एंड अभी हम चॉकलेट ब्राउन पेंसिल यूज़ कर चुके हैं एंड अब बारी आती है हमारे साक्षी गुप्ता थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने की। ये थोड़ा साक्षी गुप्ता इफ़ेक्ट है, यानी हमारी SG सीक्रेट लिप पैलेट, जो आपको हमारी कोर्सेज एंड क्लासेस में बिल्कुल जानने का मौका मिलेगा। एंड बहुत ही जल्दी हम एक प्रोफेशनल कोर्स भी लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, जिसमें आप बिगनर से प्रोफेशनल बनने वाले हैं। एंड जो हम अभी ब्रश यूज़ कर रहे हैं ये लिप वॉन्ड है, बहुत ही अच्छा है। एंड इसके ऊपर हमने ग्लॉसी इफ़ेक्ट देने के लिए लगा दिया थोड़ा सा ग्लॉस। दोनों होठों पे लगाना है, सिर्फ एक लिप पे नहीं लगाना है। एंड आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी एंड अगर आपको अच्छे से समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, इनकी आँखें या इनके होठ, ज़रूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।